हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं, आज हम जापानी पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी रिसेंटली ये थोड़ी देर पहले ये ग्राफ्टिंग की हुई है, ये देख सकते हैं आप। और ये यहाँ पर, और दोस्तों और भी कुछ एक ट्रीज़ हैं जिन पे आज हमने जापानी की कलम की हुई है, ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। तो अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने ये कुछ एक ग्राफ्टिंग की हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आजकल जापानी की ग्राफ्टिंग का दोस्तों टाइम हो चुका है। सो इसीलिए मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाया है, क्योंकि सम टाइम बहुत सारे जो व्यूअर्स रहते हैं उनका ये क्वेश्चन रहता है कि कब आप इनकी ग्राफ्टिंग करते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमने इन कुछ एक जापानी पर हमने ग्राफ्टिंग की हुई है। बाकी आप दोस्तों देख ही सकते हो, ये आजकल पेड़ों पर पत्तियां वगैरह फूल वगैरह आना शुरू हो गए हैं, तो ये बेस्ट टाइम रहता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सम टाइम की कौन सा टाइम रहता है जब ये ग्राफ्टिंग करनी चाहिए, या कैसे पता चलता है कि अब ये सही टाइम हो चुका है जापानी पर ग्राफ्टिंग करने का। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप देख सकते हैं कैसे। जैसे दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि कैसे अब ये ग्रीन हो रहा है, इसमें आइस बन रही हैं। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जब ये ग्रीन होने लग जाते हैं दोस्तों, इनकी आइस जब बन जाती हैं, तो इससे पता चल जाता है कि इन जापानी के फल में जो ये प्लांट है, इसके ऊपर रस आना शुरू हो गया है पेड़ में। देन इससे पता चल जाता है कि आप इन पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सभी दोस्तों जापानी के ट्री है जिसे परसीमन कहते हैं। और ये जो हमने रिसेंटली आज सुबह थोड़ी देर पहले ही की है, अभी कुछ टाइम बाद दोस्तों जब ये पेड़ में रस आना शुरू हो जाएगा, तो ये जो इनकी आईज आप देख रहे हैं, तो यहाँ से दोस्तों ब्रांचेस निकल जाएंगी। तो दोस्तों, ये था छोटा सा आज एक वीडियो ग्राफ्टिंग से पहले और ग्राफ्टिंग का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, और ये देखिए दोस्तों इनमें आइस बन रही हैं, और अब आप देख सकते हैं पेड़ों में रस आना शुरू हो गया है। ये दोस्तों आप देख ही सकते हो यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों ग्रीन ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों सामने अभी दादाजी भी मेरे जापानी पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, और ये कुछ एक मैंने खुद से की है। सामने जो पेड़ है ये सभी दोस्तों मैंने की है सुबह। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो आज जापानी ट्री पर ग्राफ्टिंग के ऊपर, कब और कैसे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी कमेंट, जो भी आपके सजेशन रहेंगे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।